हेलो गाइस, कैसे हो तुम सब? आई होप बढ़िया होंगे। सो गाइस, अमेज़न की यही सेल वाली सीरीज़ को मैं आगे बढ़ाने वाला हूं, एंड इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं केवल मॉनिटर्स के बारे में। एंड मैंने इसमें सारी कैटेगरी को रखा है विद द प्राइस वाइज। तो अगर आप एक गेमिंग के लिए, एडिटिंग के लिए या दोनों काम के लिए भी देख रहे हैं मॉनिटर, तो ये मॉनिटर की इस लिस्ट में आपको देखने को मिल जाएगा आपका मॉनिटर, आपके मन का मॉनिटर। एंड प्राइसेस भी इस हिसाब से हैं, तो आप अपने प्राइसेस भी देख लीजिएगा एंड आपको जो ठीक लगेगा वो परचेस कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे इस 22 इंच वाले मॉडल से। तो गाइज, ये मतलब एक बेसिक सा मॉनिटर है जिसको केवल गेमिंग पर्पज के लिए चाहिए, क्योंकि इस पर आप एडिटिंग वगैरह नहीं कर सकते। बता दे रहा हूँ, ये TN पैनल पे है, तो मैं एडिटिंग के लिए इतना प्रेफरेबल नहीं करता। IPS पैनल को ज़्यादा बोलता हूँ कि उसमें कलर्स वगैरह ज़्यादा अच्छे होते हैं इन कंपैरिजन टू TN पैनल। तो आप ये देख रहे हो 6999, और अगर SBI कार्ड वगैरह निकाल दिया तो मतलब 7000 का आपको 700 का ऑफ मिल जाएगा, तब 6200 के आता तो काफ़ी अच्छा एक 22 इंच का मॉनिटर देखने को मिल जाएगा, तो वो देख लेना। एंड लिंक डिस्क्रिप्शन में है। हर वीडियो की तरह फिर से बोलना चाहूँगा कि अगर आप कुछ परचेस करना चाहते हो तो प्लीज़ डिस्क्रिप्शन में दी वो लिंक से परचेस करना, ताकि चैनल को हेल्प मिले ग्रो करने में एंड एक छोटा सा कमीशन मुझे मिले। वेल, बढ़ते हैं अगले मॉनिटर की तरफ। तो गाइस, जो हमारा अगला मॉनिटर है वो भी सैमसंग की तरफ से है, 22 इंच का मॉडल। एंड गाइस, इस जो मॉनिटर की है ना, मैंने अनबॉक्सिंग भी चैनल पे करी, काफ़ी अच्छा मॉनिटर है। मैंने इसको यूज़ भी किया थोड़ा टाइम के लिए एंड मेरे कज़िन को दे दिया, उसके बाद ही काफ़ी अच्छा मॉनिटर लगा मुझे। एंड 22 इंच के हिसाब से काफ़ी सही मॉनिटर है, प्राइस भी काफ़ी सही है। एंड अगर आप ऑफ वगैरह लगाएंगे तो आपको और ज़्यादा फ़ायदा देखने को मिलेगा यहाँ पे। सो गाइस, मॉनिटर पर आप चेकआउट कर सकते हो। दूसरी अगला जो मॉनिटर है वो भी मेरा 22 इंच का मॉनिटर है। एंड गाइज, ये मॉनिटर भी काफ़ी सही मॉनिटर है, बट ये IPS पैनल पे है। हाँ, ये भी IPS पैनल पे है, ठीक है, बट मैं आपको ज़्यादा रिकमेंड करूँगा कि अगर ये भी लेना चाहो तो ले सकते हो। ये वाला का तो मैंने करी है, तो अगर आपका बजट थोड़ा सा कम है तो आप ये ले सकते हो, और उतना बजट तो भी वो भी ले सकते हो। इट डिपेंड्स अप टू यू, आपको LG से देना है, सैमसंग देना है, ये पूरी तरीके से आप इसके ऊपर निर्भर हो। वेल, अगला जो मॉनिटर है वो भी LG की तरफ से, एंड मैं ये मॉनिटर यूज़ कर रहा हूँ अभी भी एज ए सेकेंडरी मॉनिटर। तो ये मॉनिटर मुझे काफ़ी अच्छा है, इस पर मैं गेमिंग भी करता हूँ, एडिटिंग करता हूँ, एंड इसको मैं 75 Hz पे क्लॉक करके चलाता हूँ। तो आप इस मॉनिटर को ले सकते हैं, डेफिनेटली काफ़ी अच्छा मॉनिटर है। अगर आप एक 10,000 रुपये के अंदर 24 इंच का गेमिंग मॉनिटर देख रहे हैं विद IPS पैनल, तो ये मॉनिटर आपके लिए ये काफ़ी सही मॉनिटर है। अब अगला मॉनिटर जो है वो है, वो भी LG की तरफ से, एन अल्ट्रा गियर। तो गाइज, एक इसी का मॉडल नंबर था GL600F, AK650F करके अमेज़न पे है। तो गाइज, कन्फ्यूज हो ना, उसके ऊपर मैंने वीडियो बनाई है, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, साथ साथ आई बटन में लिंक देखने को मिल जाएगा, उसको चेकआउट कर लेना अगर कन्फ्यूज हो। और यही मॉनिटर लेना, वो 600F मत लेना, थोड़ा प्राइस उसका ज़्यादा है। देखो, ये 13,290 रुपये का है, 13,300 रुपये का है। तो गाइज, कोई मतलब नहीं है, आप ये वाला लो, मेरे सबसे ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि पूरा इसमें एक एक्स्ट्रा फीचर्स है इससे ज़्यादा, तो ये वाला लेना, ठीक है। अब अगले बढ़ते हैं मॉनिटर, ये ओपन की तरफ से है, एंड आपका 14,000 रुपये के बजट के अंदर आपको एक 27 इंच का मॉनिटर देखने को मिल रहा है, जो कि काफ़ी सही बात है। 144 रिफ्रेश है, बट हाँ, रिस्पांस टाइम उतना ज़्यादा नहीं है। तो देख लो, अगर VA पैनल पे भी अच्छा रिस्पांस मिलता है, TN पैनल से बेटर होता है और IPS से कम अच्छा होता है। मैं नया वीडियो जल्दी आने वाला हूँ फुल मॉनिटर गाइड के, उसके बाद आप जान जाओगे, तो वो मॉनिटर भी जल्दी आने वाला है। बट उससे पहले मैं बता दूं, अगर आप ये मॉनिटर लेना चाहते हो तो ये मॉनिटर परचेस कर सकते हो। एंड जो अगला वीडियो है गाइज, वो है Acer Nitro। तो जो मॉनिटर है काफ़ी अच्छा मॉनिटर है, ये भी Acer की तरफ से आता है, एंड 18,000 रुपये की वैल्यू क्या 17,500 रुपये का है, तो 18,000 रुपये के अंदर मॉनिटर है ये मॉनिटर भी कंसिडर कर सकते हो। जैसे मैं बताता चल रहा हूँ आपको पहले भी, कि आप अगर ये SBI कार्ड वगैरह लगाते हो तो आपको ऑफ देखने को मिलेगा। तो यार, अगर है या दोस्तों का मांग के, ज़रूर यूज़ कर लेना, मॉनिटर ज़रूर लेना अगर लेने वाले हो तो। वेल गाइज, ये Lenovo की तरफ से, पहली बार मेरी इस तरह की लिस्ट में Lenovo ने जगह बनाई। खैर, ये सेल वाली लिस्ट है, तो कभी और मैं बनाऊंगा एक टॉप मॉनिटर्स की लिस्ट, उसमें देखता हूँ। फिलहाल ये मॉनिटर काफ़ी सही है, और इसका जो प्राइस वगैरह वो भी काफ़ी सही रखा है समय। और सबसे चाहिए कर्व मॉनिटर है, 27 इंच में आपको एक कर्व वाला लुक जो होता है ना, एक लोगों को अपने सेटअप का एकदम क्लासिक लुक देना होता है, थोड़ा अलग सा लुक देना होता है, तो कर्व लुक वाला लेते हैं मॉनिटर। तो ये वाला मॉनिटर उसी हिसाब से है, तो आप अगर देख लो, अगर आपको इस तरह का मॉनिटर चाहिए एंड, तो ये वाला कंसिडर कर सकते हो। उसका जो अगला मॉनिटर है वो हमारा आसूस का। गाइज, ये मॉनिटर मुझे लिटरली पर्सनली काफ़ी ज़्यादा पसंद है, मॉनिटर काफ़ी अच्छा मॉनिटर है ये। तो ये काफ़ी अच्छा मॉनिटर है, अगर आप में से किसी को लेना है, IPS पैनल पे है मॉनिटर है, 24 इंच का है, काफ़ी सही मॉनिटर है, तो ले सकते हो उसको भी। अगला मॉनिटर है वो है LG का QHD। अब मैं बता दूँ गाइज, ये जो है 2K मॉनिटर है, बट मोस्ट प्रोबेबली ये VA पैनल पे जाता है, इस पर लिखा नहीं, मुझे चेक करना पड़ेगा नीचे जाके, तो यहाँ तो मुझे कहीं नहीं दिख रहा, बट अगर मैं जाके चेक करूँगा तो ये VA पैनल पे ही होगा। और गाइज, ये 75 Hz पे, यहाँ लिखा 75 Hz, तो 2K अगर आपको मॉनिटर किसी को लेना हो
तो ये ले सकते हो। यहाँ पे तो कहीं दिखा नहीं रहा, पैनल का नहीं दिखा रहा, बट अगर आपको IPS दिखाया यहाँ पे, सॉरी ये लिखा है IPS, तो ये IPS पैनल पे है 75 हर्ट्ज़ पे। बट आपको 2K का मजा लेना है 20,000 रुपये के अंदर, 27 इंच का मॉडल है, तो ये आप ले सकते हो, काफ़ी अच्छा है, काफ़ी सारी डील चल रही है इस पर। अब अगला जो मॉनिटर है वो है अल्ट्रा गियर 32 इंच का, तो ये वाला भी ये पैनल है। मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गया था लास्ट वाले स्मॉल मॉडल में, ये 22,000 रुपये का है, इसमें भी 2K है एंड ये भी ये पैनल है, तो ये भी काफ़ी सही है। एंड गाई गैस जहाँ तक ये 144 हर्ट्ज़ पे होना चाहिए मे भी, हाँ ये 144 हर्ट्ज़ का, हाँ ये 144 हर्ट्ज़ हाई हर्ट्ज़ का है, यहाँ लिखा नहीं, ऊपर ये लिखा है, ध्यान नहीं दिया मैंने, 1 MS का है। तो ये मॉनिटर काफ़ी अच्छा, बट ये VA पैनल पे, ये IPS पैनल पे नहीं है। काफ़ी अच्छा गेमिंग वगैरह करनी है, 2K पे करना है गेमिंग, तो ये और कॉम्पिटिटिव गेमिंग करनी है, FPS गेमिंग करनी है, तो मॉनिटर काफ़ी सही पड़ेगा आप सबके लिए। अगला मॉनिटर है ये भी LG की तरफ से है, और आप कहोगे यार LG की दुकान लेके बैठिए, नहीं, LG के मॉनिटर पे काफ़ी अच्छी सेल चल रही है एंड काफ़ी अच्छा मॉनिटर है। मैं खुद ही पर्सनली LG यूज़ कर रहा हूँ, इवन मैं सैमसंग भी यूज़ कर चुका हूँ। सैमसंग जो पुराना मॉनिटर यूज़ करता था वो काफ़ी सही नहीं था, बट जो नया लेटेस्ट मंगाया था, अभी हम टॉपिक से ऑफ जा रहे हैं। तो गाइज़ ये जो LG का मॉनिटर है अल्ट्रा गियर 27 240 हर्ट्ज़, मतलब समझ रहे हो, 144 नहीं, आपको 240 हर्ट्ज़, अलग ही अल्ट्रा है, मतलब अल्ट्रा ही स्मूथ मैंने चलाया 240 हर्ट्ज़ एलियन मेरे का, तो गजब का है। और ये तो मतलब है भी, ये भी अच्छा काफ़ी, इवन ये आई गेस रोटेटेबल वाला, हाँ तो ये रोटेट कर सकते हो आप, इसको पेवेट कर सकते हो, तो काफ़ी अच्छा मॉनिटर है। इसको 240 हर्ट्ज़ पे खेलना है और 30,000 के अंदर का बजट है, तो यार मॉनिटर कंसिडर कर सकता है वो ईजिली। हम कैसे बढ़ते हैं हमारे अगले मॉनिटर की तरफ, तो ये मॉनिटर फिर वही टफ सीरीज़ का मॉनिटर है, मुझे काफ़ी ज़्यादा प्यारा मॉनिटर है, मुझे पर्सनली काफ़ी मॉनिटर पसंद है। तो अगर आपको 2K में चाहिए 155 हर्ट्ज़ पे एंड 27 इंच पे, तो ये मॉनिटर डेफिनेटली ले सकते हो, बहुत अच्छा मॉनिटर है, मेरी बेस्ट मॉनिटर्स की लिस्ट में ये मॉनिटर आता है, मैं पर्सनली बताऊँ तो, ये मॉनिटर भी आप परचेस कर सकते हो। अब अगला मॉनिटर है LG का अल्ट्रा गियर, ये मॉनिटर भी काफ़ी सही और काफ़ी अच्छा मॉनिटर है। इसका जो कलर गैमट वगैरह है वो काफ़ी अच्छा, इसलिए इतना कॉस्टली आप कहोगे यार 27 इंच का इतना महंगा कैसे, 38,000 रुपये का, तो ये मॉनिटर इसलिए इतना महंगा है और काफ़ी अच्छा मॉनिटर है, तो ये मॉनिटर भी आप कंसिडर कर सकते हो। अगर आपको ज़्यादा मेनली पर्पज़ आपका एडिटिंग वगैरह का है, तो आप ये ज़्यादा देख सकते हो। अब ये यार मतलब ये अंधा पैसा एडिशन मॉनिटर है, अगर इतना पैसा है किसी के पास 6,500 तक मॉनिटर में डालने के लिए, तो एल मॉनिटर कंसीडर कर सकते हो। 4K अल्ट्रा HD है एंड भाई अल्ट्रा HD मॉनिटर मैंने चलाया है LG का ही, बट वो गेमिंग वाला नहीं था, गेमिंग वाला है ये, तो वो तो नॉन गेमिंग था, क्या ही बिंदास मॉनिटर था वो भी 55,000 रुपये के आसपास। मैं चैनल पर उसकी अनबॉक्सिंग वगैरह करी है, तो पुरानी वीडियो जाकर देखो तो मिल जाएगा। पहले ये मॉनिटर भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा मॉनिटर है एंड इसको आप कंसीडर कर सकते हो। तो गाइज़ आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर देना, अगर आपको सवाल सुझाव है तो कमेंट बॉक्स में लिख देना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और मैं और वीडियोस ला रहा हूँ इसी सीरीज़ की, तो 2-3 दिन में आ जाएगी, तो 2-3 घंटे में आ जाएगी आई गेस आइए देख लेना उसके बाद, तो देख लेना एंड मिलता हूँ नए वीडियो में, तब तक लेट टेक केयर एंड आई नेक्स्ट वन, टिल देन पीस।